हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक दोबारा जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, सिर्फ कंपैरिजन नहीं, राइट कंपैरिजन। और फ्रेंड्स टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बजाज पल्सर N160 और 2022 ऑल न्यू आप कह सकते हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 162 विद राइड मोड्स की जो राइड कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी द बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं, बजाज या टीवीएस के आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग शोरूम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आप लोग आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अभी राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और राइड पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कंपनी अभी यहाँ पर क्या नया ऑफर कर रही है। सबसे पहले आप की देख लीजिए, जैसे पहले मिला करती थी की में अभी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ जैसे आप इसको की को इंसर्ट करते हैं सामने में आप देख लीजिए ऑल न्यू आप कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीएलएल, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है। और ये जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं, जैसे आप लोगों को मतलब 164V या 204V में देखने को मिलते हैं वैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नीचे आ जाते हैं सस्पेंशन, आप लोगों को यहाँ पर 31mm की यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। देन और फिर टायर की अगर बात की जाए तो पहले जैसी थी वैसी ही है, 90x90 सेक्शन की टायर है, 17 inches ऑफ अलॉय व्हील। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो पहले जैसे सिंगल चैनल ईबीएस आया करती थी सुपरमोटो ईबीएस, वही कंपनी अभी भी यहां पर प्रोड्यूस कर रही है। सामने में आप लोगों को 270mm की पेटल डिस्क मिलती है जो ब्रेकिंग के टाइम पर हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करती है। अब इंजन के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, इंजन तो वही है लेकिन यहां पर थोड़ा सा पावर फिगर में इजाफा हुआ है। बाकी मैं बता दूं 159.7cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई कीका ऑप्शन नहीं है और ऑयल कूलिंग अभी तक कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की है। पावर फिगर्स के बारे में बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को तीन मोड मिल जाती है, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, अर्बन या रेन मोड में थोड़ी सी घट जाती है। पावर की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 16.04 PS की पावर यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है एंड टॉर्क आप लोगों को मैक्सिमम 13.85 Nm की मिल रही है। बाकी ये दोनों ही स्पोर्ट मोड में मिल रही है, अर्बन या रेन मोड पर कितने मिल रहे वो आप लोगों को स्क्रीन में दिख गई होगी। बाकी यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और अब अगर मैं आप लोग इसके रियर सेक्शन के बारे में बताऊं तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसमें भी कंपनी ने चेंजेस कर दी है। बाकी यहाँ पर जो एग्जॉस्ट नोट है, चलिए उसकी वो भी मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर सुना देता हूँ। गाड़ी को पहले ऑन होने देते हैं। जी गाड़ी ऑन हो चुकी है। अब फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ चेंज हुई है। बाकी इसकी जो मतलब एग्जॉस्ट नोट है मुझे तो सेम ही लग रही है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा सुन के कि आप लोगों को ये चेंज लग रही है, पहले से बेटर लग रही है या नहीं। अब अगर रियर सेक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो 110 और 120 दोनों सेक्शन के आपको टायर मिल रहे हैं। अगर आप लोग ब्लूटूथ वाले वर्जन पर जाते हैं वहाँ पर आप लोग को 120 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को 17 inches की ही यहाँ पर आप लोग को अलॉय व्हील मिल रही है। पीछे की अगर आप ब्रेकिंग देखते हैं तो दोनों मिलता है आप लोग को यहाँ पर, मतलब डिस्क ब्रेक भी मिलता है, ड्रम भी मिलता है। ड्रम आप लोगों को 130mm की मिलती है। N160 में आप लोगों को सिर्फ डिस्क की ऑप्शन मिलती है और वहां पर आप लोगों को 230 की मिलती है, लेकिन यहां पर आप लोगों को 240mm का मिल रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांटेज बिल्कुल है। बाकी सस्पेंशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो N160 के पास मतलब मोनोशॉक सस्पेंशन है, यहां पर आप लोगों को ट्विन शॉक मिल रही है, मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड विद स्प्रिंग हेड, मतलब दोनों सस्पेंशन आप लोगों को यहां पर मिल रही है। बाकी फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो 180mm की यहां पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। सीट हाइट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोगों को 790mm की सीट हाइट मिल रही है। बाकी कुशनिंग वगैरह कैसा है, कंफर्टेबल आप है या नहीं, वो हम लोग राइड रिव्यू के टाइम पर बात करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स इसका एक शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का वॉक अराउंड। और चलिए अब इसको राइड करके देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को चेंज क्या देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया, नाउ लेट्स गो। और जैसे मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ आपसे लिटरली ना ये व्हील हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लच को हल्का सा मतलब प्रेस करके अगर आप जोर से अगर थ्रॉटल दे देते हैं ना तो मतलब पक्का व्हील हो जाएगी, इतना ज़्यादा पावर भरा हुआ है। देखिए सेकंड गियर पे हूँ, ठीक है, लेकिन देखिए फिर भी बहुत मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रही है। बाकी यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर नहीं है, वो तो एक चीज़ यहाँ पर खटक रही है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ब्लूटूथ वाले वर्जन पर जाना होगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी प्राइस बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप लोग कृष्णनगर में आते हैं, बाकी प्राइस मैं आप लोग को एक्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी तक शोरूम में वो प्राइस पूरी तरीके से एक्जैक्टली मुझे भी पता नहीं चली है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये वाली वर्जन में आते हैं तो आप लोगों को करीबन 1,48,000 तक खर्चा करना होगा। अगर आप लोग ब्लूटूथ वाले वर्जन पर जाते हैं तो आप लोगों को करीबन 1,52,000 तक खर्चा करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को सीटिंग पोजीशन बताऊं, जैसे पहले मिला करती थी सेम है, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीट कंफर्टेबल है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, वेरी कंफर्टेबल इवन फॉर द लॉन्ग राइड्स। और अगर आप हाथ देखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो मतलब कंफर्टेबल तो है ही, और साथ में हाथ जो है ना बहुत एक आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन पर सेट कर रही है हाथ, ठीक है। तो हाथ में भी आपको मतलब ये जो मतलब सीटिंग पोजीशन है हाथ का भी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ पैर देखिए काफ़ी रेयर फिटेड, यहाँ पर आप लोगों को ये फुट पैक मिल जाती है तो वहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन
पोजीशन और हाँ स्पोर्टी सिटिंग पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉडर्न इंजन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी दिखाया था कि यहाँ पर इसकी जो इनिशियल पंच है उसमें आप लोगों को बहुत सही देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स दो चीज़ देखने लायक है, चलिए मैं आप लोगों को वो यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अब दो चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, वो है साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर जो यहाँ पर कंपनी पहले भी डाला करती थी और कंपनी ने इसको अब भी मतलब कंटिन्यू किया हुआ है। देखिए अभी इसको मैं साइड स्टैंड डाल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर आ गई है और देखिए गाड़ी भी अभी बंद हो गई है। अब देखिए दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, ठीक है अब स्टैंड हटा देते हैं, आपको आवाज़ आई होगी, देखिए इंडिकेशन भी हट गया है एंड नाउ देखिए दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो ये बहुत सही चीज़ कंपनी ने डाली हुई है, काफ़ी हद तक एक्सीडेंट से भी राहत देती है। और एक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर GTD टेक्नोलॉजी, चलिए उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। अभी मैं इसको पहले फर्स्ट गियर पर डालता हूँ, ये मैंने अभी इसको फर्स्ट गियर पर डाला हुआ है। अब देखिए मैंने देखिए क्लच पर से हाथ छोड़ दिया, थ्रॉटल पर से हाथ छोड़ दिया, देखिए गाड़ी आराम से आगे बढ़ रही है। और हल्का भी सेकंड गियर पर ले लेते हैं देन टेस्ट करते हैं एक बार। अभी देखिए सेकंड गियर पर गाड़ी है, देखिए 13-14 के स्पीड पर जा रही है सेकंड गियर पे। अब थोड़ा सा इसको थर्ड गियर पर लाके देखते हैं, थर्ड गियर पर देखिए 13-14 की स्पीड थी सेकंड गियर पर, अभी देखिए थर्ड गियर पर करीबन 19 की स्पीड ले रही है। फोर्थ गियर पर चल के देखते हैं, चलिए फोर्थ गियर पर मैंने गाड़ी को ले लिया। अब देखिए स्पीड जो मतलब इंक्रीज़ हुई है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, 20 पर जा रही है। और चलिए इसको फिफ्थ गियर पर ले लेते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं GTT को। ये देखिए अभी ये 23-24 तक जा रही है, तो इसका मतलब सही है फ्रेंड्स, और गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। देखिए मैंने पूरा अपना क्लच देखिए मैंने हाथ हटा दिया, यहाँ पर देखिए जो थ्रॉटल उस पर से भी हाथ हटा दिया है, तो ये देखिए 25 की स्पीड भी ये बिल्कुल ले रही है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सही चीज़ है, मतलब कभी अगर आपकी मतलब काइंड ऑफ क्रूज कंट्रोल भी कह सकते हैं ना, फनी में वे मैं कर रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल है नहीं लेकिन फिर भी है, मतलब काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि आपकी जो मतलब जब आप ट्रैफिक पर होते हैं तो काफ़ी हद तक ये आपकी जो फटीग है वो कम कर देती है, माइलेज को भी काफ़ी हद तक ये इन्हेंस भी कर देती है और मेंटेन भी करती है। चलिए अब मैं इंजन के बारे में आप लोगों को अगर बता ही रहा हूँ ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूँ, 0 to 60, 0 to 100 एंड देन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है, कितना वाइब्रेशन आप लोगों को मिल रहा है वो दिखा देते हैं, देन थोड़ी इसके ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इसको अभी फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड हल्का सा बज महसूस हो रहा था आफ्टर 90, और ये हम लोग अभी 100 क्रॉस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि 0 to 60, 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर पा रही है। अब थोड़ा सा वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं इसके पहले मैंने आप लोगों को इसकी जो मतलब टॉसिल वाली टेस्ट थी वो भी मैंने आप लोगों को करके बताई थी इसके पिछली वीडियो में, वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था स्टेबिलिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है इवन एट द टॉप स्पीड, लेकिन वाइब्रेशन जब आप 85-90 के ऊपर चढ़ रहे हैं ना तो हल्का सा आपको वहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बताऊँगा, क्योंकि देखिए अभी हाईवे है, आप मान के चलिए आप 80-85 पर चला रहे हैं, मेरे ख्याल से आप आराम से चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पर, ना स्टेबिलिटी का कोई इशू होगा ना वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाली है, और हाँ और आप अच्छी तरीके से कंफर्टेबल में आप क्रूज भी कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी ब्रेक टेस्ट भी करके देख लेते हैं। सिंगल चैनल ABS है तो जो सामने वाली जो आपको मतलब ब्रेक मिलेगी वहाँ पर ABS लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक टेस्ट करेंगे, देन रियर ब्रेक एंड देन दोनों को साथ में 0 to 60 पे तीनों को टेस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्रंट ब्रेक से स्टार्ट करते हैं पहले, और ये ओहो देख रहे हैं आप लोग, मतलब काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स, ठीक है। और चलिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि फीडबैक बहुत बढ़िया मिल रही है फ्रॉम द वेरी फ्रंट ब्रेक, और हाँ ABS के इंट्रूशन बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ, आपने देखा है गाड़ी को मैंने बिल्कुल मतलब स्टॉप पे ला दिया था लेकिन फिर भी मुझे ABS के इंट्रूशन बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। और चलिए अब बारी है इसकी जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करने की, अगेन 0 to 60 से पर ही टेस्ट करेंगे रियर ब्रेक को भी। अब फ्रेंड्स आई वुड से कि जैसे मैं हर गाड़ी में आप लोगों को कहता हूँ मतलब प्रोग्रेसिव फीडबैक है, तो अब देखिए फीडबैक फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव ही मतलब आपको मोस्ट ऑफ द बाइक्स में मिलती रहती है। अब इसका ये भी कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे का ब्रेक ना मतलब स्किड करने का जो क्षमता होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कहेंगे तो प्रोग्रेसिव नेचर ठीक है, आप पहले रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए देन फ्रैक्शन सेकंड तो फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर दीजिए, आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत सही मिलेगी। तो चलिए एक बार दोनों को एक बार एक साथ अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा मिल रहा है।
ओहो हो, बहुत बढ़िया। और हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने दोनों ब्रेक को एक साथ अप्लाई किया है ना, तो मुझे हल्का सा यहाँ पर जो ABS का इंट्रूशन है इन द फ्रंट ब्रेक, वो मुझे महसूस हुआ है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है ना, वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स अबाउट सस्पेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग यहाँ पर मतलब फ्रंट सस्पेंशन पर आते हैं ना, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट आपको महसूस होगी, लेकिन जिसकी जो रियर सस्पेंशन है ना, मतलब स्टिफ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है, एक कंफर्टेबल है। मतलब अगर आप लोग कच्चे रास्ते पर भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जर्क फील नहीं हो रहा है, और जैसे आप यहाँ पर चला रहे हैं तो आपको स्टिफनेस की भी कमी महसूस नहीं हो रही, तो आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। और मैंने आप लोगों को इससे पहले जो मतलब टॉप स्पीड का जो टेस्ट दिखाया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इवन एट द टॉप स्पीड। तो वो एक वजह है कि मतलब वो आप लोगों को जो स्टिफनेस मिल रही है, जो स्टेबिलिटी मिल रही है, वो आप लोगों को बिल्कुल सस्पेंशन की वजह से मिल सकती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले मिला करती थी वैसे ही है। बाकी यहाँ पर सस्पेंशन फ्रेंड्स ओवरऑल कंफर्टेबल सस्पेंशन है, आप लोगों को हैंडलिंग में भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब फ्रेंड्स हैंडलिंग की बात हो ही रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए, ये आराम से, ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मतलब ये अभी क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रही है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग इसकी और ईजी हो चुकी है। और हाँ, वेट 137 ड्रम ब्रेक भी और 138 डिस्क ब्रेक की, जो कि ये वाली मतलब डिस्क ब्रेक दोनों, मतलब चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, जब वो डिस्क ब्रेक है तो 138 किलोग्राम की है, तो यहाँ पर इसकी वेट 138 किलोग्राम है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बिल्कुल ये वेट ना आप लोगों को फील नहीं होती है। और एक बात बताऊँ, हैंडलिंग की जब बात हो रही है ना, तो गाड़ी पर जब आप बैठ रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, तो आपका गाड़ी पर जो मतलब कंट्रोल है ना, वो आप लोगों को और बेहतर तरीके से देखने को मिलती है। ये मुझे एक चीज़ बहुत सही लगती है। और फ्रेंड्स चलिए, अब इसकी जो मतलब टर्निंग रेडियस टेस्ट है, फिर आप कह सकते हैं जो कॉर्नरिंग टेस्ट है, वो भी यहाँ पर हल्की सी कर लेते हैं। यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा लीन करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको दे रही है। ये देखिए, काफ़ी हद तक मैंने अभी गाड़ी को लीन किया है, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे डर नहीं लगा। बाकी फ्रेंड्स एक बात कहूँ, 110 mm की टायर है, तो मैं कहूँगा एटलीस्ट अगर आप मतलब कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप लोग को पसंद है ना, तो 120 mm की जो टायर मिल रही है ब्लूटूथ वाली एडिशन में, उस पर चले जाइए यार। मतलब बस 3,000 से 4,000 रुपये ज़्यादा लगेगा, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिकमेंडेड होगा कि आप अगर कॉर्नरिंग अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो। बाकी यहाँ पर भी डर नहीं लग रही, लेकिन वो ज़्यादा रिकमेंड मैं बिल्कुल करूँगा। और अब मैं अगर आप लोग को पिलियन कम्फर्ट के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, पिलियन कंफर्ट भी इस बाइक में बहुत सही है, क्योंकि पीछे ग्रैब रेल भी है, तो पकड़ के अगर कोई बैठ रहा है पीछे, तो डर मतलब एक्सेलरेशन के टाइम पे गिरने का डर भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं होने वाली है। और एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी गाड़ी में थोड़ी सी पावर भी बढ़ी हुई है, 0.5 PS की पावर बढ़ी है फ्रेंड्स, उसके लिए मतलब माइलेज आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। जैसे पहले 42-45 की माइलेज यहाँ पर मिला करती थी, उतनी माइलेज आप लोगों को अभी भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब गाड़ी में ना बहुत ज्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिल रही है, अंटिल आप 120 mm का जो टायर है आप उसमें जाते हैं। बाकी वो अभी टेस्ट करना बाकी है, जब वो आएगी तो वो भी आप लोगों को टेस्ट करके बिल्कुल बताऊंगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पर राय दिया है अबाउट ऑल न्यू 2022 TVS Apache R1 62V विद राइड मोड्स। और चलिए अब यहाँ पर बजाज पल्सर N160 को चलाकर देखते हैं कि वहाँ पर इसके मुकाबले मतलब राइडिंग डायनेमिक्स में आप लोगों को क्या ज्यादा चेंज देखने को मिलती है। 2022 TVS Apache R1 62V विद राइड मोड्स की जो राइड जो रिव्यू थी वो आप लोगों ने देख ली है। और चलिए अब राइड कंपैरिजन करके देख लेते हैं विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर, दैट इज बजाज पल्सर N160। इसको भी कंपनी ने या फिर आप कह सकते हैं बजाज ने हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। अब टफेस्ट सिस्टम में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को 2 इंजन मिल जाती है, और TVS 162V में भी आप लोग को 2V इंजन ही देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले शॉर्ट में आप लोग इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर कोई वेव की वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। और जैसे आप इसको यहाँ पर डालकर ऑन करते हैं, ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, मतलब आपको यहाँ पर जो LED DRL वगैरह वो जलती हुई नहीं दिखेगी जब तक आप इसकी इग्निशन ऑन नहीं करते हैं। बाकी आप लोग सभी ने ऑलरेडी इसको देख लिया हो, इसको मैं अभी दोबारा स्टार्ट करके आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो आप लोगों को मिलते हैं, जो TVS की 162 में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी नीचे अगर आप लोग आ जाते हैं, यहाँ पर इसको पहले ऑफ कर देते हैं, मडगार्ड की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिल जाएगी, उसमें आप लोगों को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी अगर टायर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन बिल्कुल देखने को मिलती है, 100x80 की टायर मिलती है विद 17 inches ऑफ अलॉय व्हील। और वही अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ, तो सिंगल चैनल डुअल चैनल दोनों ऑप्शन मिलती है। ये वाले आप डुअल चैनल ऑप्शन देख पा रहे हैं, बाकी 162 में जो मिल रही है वो आप लोगों को सिर्फ सिंगल चैनल मिलती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल बिल्कुल कराती है बजाज। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके डिस्क के बारे में बताऊँ, तो 280mm और 300mm दोनों ऑप्शन मिलती है, अगेन इट्स बेटर देन 162V। और वहीं अगर मैं इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, तो 31mm इन सिंगल चैनल ABS, 37mm डुअल चैनल ABS। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को एक बेहतर ऑप्शन मिल रही है व्हेन कंपेयर टू 162V ऑफ TVS। और चलिए फ्रेंड्स अब हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 164.82cc SOSC ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल कूल्ड इंजन मिल रही है, जो कि ऑब्वियसली बेटर है व्हेन कंपेयर टू एयर कूल्ड इंजन ऑफ 162V ऑफ TVS। पावर फिगर्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 16 PS की मैक्सिमम पावर मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को 14.65 Nm की मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को अवेलेबल यहाँ पर मिल रही है। बाकी
पावर जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। बाकी 19-20 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं किक का ऑप्शन कंपनी ने नहीं रखी हुई है। और चलिए यहाँ पर मैं आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा। और ये गाड़ी ऑन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को नाउ। यहाँ पर मैं एक बिल्कुल कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो इसकी आवाज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बेसियर साउंड करती है व्हेन कंपेयर टू टीवीएस अपाचे 160 2V। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा कि आवाज़ आप लोगों को किसकी बेहतर लग रही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को अंडर बिल एग्जॉस्ट मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स एक्सेल स्विंग आर्म मिल रही है। पीछे के अगर यहाँ पर टायर की बात की जाए फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली ये बेटर है। आप लोगों को यहाँ पर 130/70 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर टायर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोगों को अगर ब्रेकिंग सिस्टम बताया जाए, जी हाँ, ब्रेकिंग यहाँ पर थोड़ी सी ये पीछे होती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 230mm की डिस्क देखने को मिल रही है, लेकिन टीवीएस अपाचे 162V में आप लोगों को 240mm की डिस्क देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर सस्पेंशन आप देख पा रहे हैं तो मोनोशॉक जो सस्पेंशन है यहाँ पर मिलती है। बाकी परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है वो मैं आप लोगों को आगे राइड रिव्यू के तहत मतलब राइड कंपैरिजन के दौरान बताऊंगा, क्योंकि 162V में आप लोगों को डुअल आप लोगों को वहाँ पर स्प्रिंग वाली सस्पेंशन देखने को बिल्कुल मिलती है। बाकी यहाँ पर टायर अगर वगैरह आप लोग देख पा रहे हैं, बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो एक चीज़ जो खास यहाँ पर देखने को मिलती है जो अभी 162V में RM वाले में नहीं मिल रही है वो है इसकी गियर पोजीशन सेंसर जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स था एक शॉर्ट वॉक अराउंड ऑफ ऑल न्यू 2022 बजाज पल्सर N160। और चलिए आप राइड करके देख लेते हैं कि दोनों में आप लोगों को फर्क कहां तक महसूस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गाड़ी को यहां पर ऑन कर लेते हैं। हेलमेट का शीशा डाउन, फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स इनिशियल पंच देख रहे हैं, और सेकेंड गियर पर डाल के देखते हैं। सेकेंड गियर पर भी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ थर्ड गियर पर एक बार डाल देते हैं। ये थर्ड गियर में इसकी जो पुल है वो थोड़ी सी कम हो रही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड गियर में इसकी इनिशियल जो पुल आपको महसूस हो रही है ना वो गजब की है। अब देखिए फ्रेंड्स अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि किसकी बेहतर है 162V की या इसकी, दोनों की ही लाजवाब है, लेकिन अगर आप जजमेंटल वे में देख रहे हैं ना तो आपको बारीकी से परखना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि 162V की जो मतलब पुल है इनिशियल वो आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये बाइक ने जिस एरिया में महारत हासिल कर रखा है वो है स्मूथनेस के एरिया में, या फिर कह सकते हैं इंजन रिफाइनमेंट के एरिया में। ये गाड़ी मतलब हर एक गाड़ी को बीट कर देती है, ठीक है, 160cc सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो था फ्रेंड्स इनिशियल इंप्रेशन। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, सीट जो है ना वो अगर आप मतलब कंपेयर करते हैं विद 162 भी वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है, लेकिन अगर आप लोग यहां पर आते हैं 5mm आप ऊपर इसकी सीट हाइट है, 795 इसकी है, उसकी 790 थी, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है ना कि आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं और मतलब कमांड ओवर द बाइक यहां पर आपको थोड़ी सी बेहतर महसूस हो रही है। बाकी आप हाथ की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी आपको चौड़ी यहां पर महसूस हो रही है, और पैर यहां पर देख लीजिए काफी रेयर फिटेड है, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मतलब बैठने का जो फील है वो थोड़ी सी अलग है व्हेन कंपेयर टू 162V ऑफ टीवीएस, क्योंकि यहां पर जो सीट है ना वो आपको थोड़ी सी हार्ड महसूस होगी, लेकिन कंफर्टेबल आपको ये भी बिल्कुल महसूस कराती है। तो ये था फ्रेंड्स इनिशियल इंप्रेशन एंड अबाउट द सीट और राइडर कंफर्ट। और यहां पर अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में स्पेसिफिक बताऊं ना फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी अभी दिखाया था कि इसकी जो इनिशियल पंच है इंजन की बहुत बढ़िया। और चलिए अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहां पर अगर आप लोग क्लच एक्शन देखते हैं लाइटर है 162V से, अगर आप कंपेयर करते हैं नो डाउट ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं यहां पर लाइटर आपको महसूस होगी। और गियर शिफ्टिंग दोनों गाड़ियों में सेम है, मतलब चाहे आप अपशिफ्ट कीजिए डाउन शिफ्ट कीजिए दोनों गाड़ियों में आपको वो जो फील है आपको सेम ही मिलने वाली है। टक साउंड यहां पर भी फील हो रही है और बहुत स्मूथनेस के साथ यहां पर भी आपको गियर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और चलिए फ्रेंड्स जब हम लोग यहां पर इंजन के बारे में इतना बात कर ही रहे हैं तो इसका थोड़ा सा एक्सेलरेशन टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि 0-60, 0-100 कितने सेकंड्स में अचीव कर रही है, वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी आप लोगों को कहां तक बेहतर महसूस हो रही है। और साथ ही मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगा वीडियो के दौरान कि यहां पर कितना मतलब आपको क्रूजिंग स्पीड होना चाहिए मतलब कंफर्टेबली क्रूज करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोगों ने देख लिया है 0-60 कितने सेकेंड्स में अचीव कर सकती है, बाकी ये अभी 100 भी अचीव कर चुकी है। और एक चीज़ यहाँ पर मानना होगा फ्रेंड्स, मतलब आप कोई भी गियर पे हो लीजिए आपको मतलब वाइब्रेशन मतलब नेक्स्ट टू निल महसूस हो रही है, वाइब्रेशन बहुत हल्का महसूस हो रहा है। बाकी मैंने यहाँ पर अभी जूते और ग्लव्स पहने हुए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कम महसूस हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं। और हाँ स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने देखा है 0-100 तक मैं इसको अभी ले गया था, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी में यहाँ पर कोई इशू फील नहीं हो रही। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ब्रेक टेस्ट पर जाने से पहले इसकी जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड होनी चाहिए ना वो 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है। बाकी मैंने शायद आप लोगों को 162 में 70-80 कहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्मूथनेस के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी बेहतर है तो आप 80-90 किलोमीटर आप इसकी
मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बिल्कुल कह सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर जो और दिखाना चाहूँगा अबाउट दिस बाइक, दैट इज़ इट्स कॉर्नरिंग एबिलिटी। आप देखिए मैं गाड़ी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीन करूँगा, आप देखिए बहुत ज़्यादा लीन, ये देखिए इतना ज़्यादा लीन करने के बाद भी ना आपको बिल्कुल डर का महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी फिसलेगी वगैरह, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, सस्पेंशन से जो फीडबैक आपको यहाँ पर महसूस हो रही है ना वो गजब की, इसलिए भी आप कह सकते हैं रियर टायर भी चौड़ा है, सस्पेंशन से भी आपको गजब की यहाँ पर स्टेबिलिटी या फिर कह सकते हैं स्टिफनेस आपको मिल रही है, इसलिए भी कॉर्नरिंग एबिलिटी आप कह सकते हैं इसकी तगड़ी है। और ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको बेहतर भी महसूस होगा व्हेन कंपेयर टू 162 भी, और इसका श्रेय आपको इसकी जो मोनोशॉक है उसको भी देना पड़ेगा। और चलिए अब इसकी जो ब्रेकिंग एबिलिटी है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। दोनों चक्कों पर ABS लगी है तो दोनों चक्कों को हम लोग मतलब दोनों जो ब्रेक है उसको हम लोग 0 to 60 पे ले जाकर टेस्ट करेंगे, एंड देन हम लोग दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई करके देखेंगे 0 to 60 पे इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो चलिए फिर सबसे पहले इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट कर लेते हैं एट द स्पीड ऑफ 60। ओहो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हम लोग रुक गए हैं गाड़ी पे, और ये चीज़ तो कहना होगा फ्रेंड्स कि ब्रेकिंग जो इसकी जो फीडबैक है ना, जो रिस्पांस आपको मिल रही है, जो बाइट आपको मिल रहा है काफ़ी बेहतरीन है। जितना आप ज़्यादा पुल कर रहे हैं उतनी आपको ज़्यादा रिस्पांस मिल रही है, और हाँ ABS की इंट्रूशन मुझे यहाँ पर बिल्कुल फील हुई है, बाकी फीडबैक बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसके रियर ब्रेक को टेस्ट करते हैं। नाउ आई वुड से फ्रेंड्स कि प्रोग्रेसिव है जैसे आप लोग को 162 भी में दिखी थी, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे ABS की इंट्रूशन अभी उतनी ज़्यादा फीलिंग हुई, बाकी मैंने उसको एक्सट्रीम प्रेस बिल्कुल किया था लेकिन ABS यहाँ पर इंट्रूड नहीं किया, और ये मतलब पिछली टायर है वो भी स्लिप यहाँ पर मुझे होती हुई नहीं दिखी है। और चलिए अब दोनों को एक साथ यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। ओ माई गॉड दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई किया जाए फ्रेंड्स तो मतलब गजब के यहाँ पर आप लोगों को रिस्पांस मिल रही है। एंड नाउ ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आपको ब्रेकिंग एबिलिटी यहाँ पर बेहतर दिखेगी अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं 162 भी से, जब मैं दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी फ्रंट ब्रेक आप अलग से अप्लाई कीजिए, रियर ब्रेक अलग से अप्लाई कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगी, लेकिन दोनों ब्रेक को अगर आप साथ में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तब आपको 162 की जो TVS की है उससे यहाँ पर ब्रेकिंग एबिलिटी अच्छी बिल्कुल दिखेगी। और हैंडलिंग फ्रेंड्स बात होनी ज़रूरी है यहाँ पर, आप देखिए ये देखिए 154 किलोग्राम की बाइक, आप कह सकते हैं 14-15 किलोग्राम तक हैवी है व्हेन कंपेयर टू 162 भी, लेकिन फील नहीं हो रही है फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल फील नहीं हो रहा दोनों ही बाइक, मतलब वेट जो है ना करीबन सेम ही फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि 15 किलो ज़्यादा भारी है व्हेन कंपेयर टू 162 भी। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी मतलब मैनूवरिंग के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, बहुत सही है, आप सिटी पे चलाइए आराम से चला सकते हैं, मतलब अगर आप कोई ओवरटेक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सिटी राइड्स भी कर रहे हैं तो ऐसा फील नहीं होगा कि यार गाड़ी भारी है, ठीक है मुझे मतलब क्विक ओवरटेक्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मतलब अगर मैं टर्न लेने की कोशिश करूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वगैरह आपको बिल्कुल फील यहाँ पर नहीं होने वाली है। और हाँ ये आईना ना आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए पूरे तरीके से मोड़ रहे हैं, तो मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए आईने को, तो आपको जो रियर व्यू है ना वो बहुत सही मिलेगी। बाकी 162 की जो रियर व्यू थी वो भी आपको काफ़ी बेहतर मिल रही है, यहाँ पर मुझे दोनों में मतलब करीबन सेम ही यहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस मिल रही है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं। बाकी हाँ यहाँ पर आप लोगों को ये आप देख सकते हैं मतलब जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ मिल रही है जो आप लोगों को 162 में नहीं मिल रही थी, बाकी बेजललेस मीटर कंसोल है जो आप लोगों को 162 में नहीं मिल रही थी यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, वहाँ पर क्योंकि ब्लूटूथ वर्जन अभी तक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप लोगों को मतलब जो गियर पोजीशन सेंसर है वो भी नहीं मिल रही थी जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस गाड़ी में अभी एक्स्ट्रा है, बाकी हाँ यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है जो आप लोगों को 162 की ब्लूटूथ वाली वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स दोनों ही बाइकों के पास कुछ मतलब खासियत है, मतलब 19-20 का फर्क दोनों में आप लोगों को महसूस बिल्कुल हो रही है। तो फिर दोनों बाइकों को मैंने आप लोगों को राइट कंपैरिजन करके बता दिया है, और आप आते हैं वर्डिक्ट पे कि कौन सा बाइक आपको खरीदना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको TVS के जो ब्रांड है उससे आपको लगाव है, और आप देखिए अभी 162 को ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि और ज़्यादा स्लीक बना दिया गया है, उसमें पावर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कंपनी ने भी डाल दी है, ठीक है टायर को भी चौड़ा कर दिया गया है, अब उसमें आप लोगों को LED हेडलैम्प की जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को मिलने लगी है, ठीक है मतलब पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल आप लोगों को मिलने लगी, तो फीचर वाइज वो गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा रिच बन चुकी है। तो वो गाड़ी अगर आप लोगों को TVS की बाइक चाहिए थी 160 सेगमेंट में मतलब नॉर्मल डे टू डे राइड के लिए, फिर कह सकते हैं कम्यूटिंग के लिए, तो वो बाइक आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा कंसर्न है आपके लिए, आप चाहते हैं कि आप रोड पर 100% सेफ रहें, आपको डुअल चैनल ABS चाहिए, आपको आप कह सकते हैं कि ये वाली जो मतलब पल्सर की जो ये पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग वाली चीज़ है वो आपको चाहिए थी, या फिर आप कह सकते हैं आपको मतलब चार्जिंग सॉकेट चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब जो टायर है वो आप लोगों को 130mm की टायर चाहिए थी, तो ये सारी जो चीज़ें स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ नॉट फीचर्स, अगर आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस अगर आपको अच्छी चाहिए थी किसी बाइक में, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना बजाज की पल्सर N160 ये आपको
मतलब एक बेहतरीन बाइक आपके लिए साबित हो सकती है। बाकी अगर आप यहाँ पर माइलेज देखते हैं ना फ्रेंड्स, दोनों ही बाइकों में आपको माइलेज जो है वो करीबन सेम ही देखने को मिलेगी, 45 किलोमीटर तक दोनों ही बाइक में माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा कहना अबाउट दीज टू बाइक्स। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि वर्डिक्ट सुनने के बाद आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाज की पल्सर N160 या फिर TVS की न्यूली लॉन्च 2022 TVS Apache RTR 162V राइडिंग मोड्स वाली वर्जन। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।